नमस्ते। फाउंडेशन फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ कोर्स में आपका स्वागत है और स्वागत से ज़्यादा बहुत बहुत बधाई है जो आपने निश्चय किया इस कोर्स को फॉलो करने का। और आज तीसरा दिन है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस कोर्स को करिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो ये कोर्स जो है हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में प्री रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके हर दिन सवेरे 6 बजे इसको अपलोड करेंगे। तो आपको रात को ही लिंक मिल जाएगा, आप इसको 6 बजे के बाद कभी भी देख सकते हैं अगले दिन। तो आप 6 बजे देख सकते हैं तो सबसे बढ़िया, और अगर आप 6 बजे नहीं देख सकते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए, 7 बजे देखिए, 8 बजे देखिए, 7:30 बजे देखिए, आप अपना टाइम सेट कर लीजिए, हर दिन उसी समय पर देखें तो ये मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हर दिन उसी समय इसको देखें और जितना सवेरे देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, आप शाम को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सवेरे सवेरे देखेंगे तो आपको सारा दिन मिलेगा उस बातों के ऊपर चिंतन करने का, मंथन करने का, क्योंकि अगले दिन फिर आप तैयार हो जाएंगे अगले स्टेप के लिए। दूसरा, ये कोर्स 15 मिनट का एक वीडियो के द्वारा होगा। तो इस 15 मिनट के वीडियो में मैं पहले 6-7-8 मिनट आपको एक टॉपिक के ऊपर, एक स्मॉल स्टेप के ऊपर आपको ब्रीफिंग कर दूंगा, और उसके बाद जो है उसमें मैं 3-4 मिनट का एक साइलेंट मेडिटेशन या ऑटो सजेशन टाइप का करूंगा, जिसके द्वारा आप वो चीज़ें अपने अंदर में धारण करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको कंफर्टेबल पोजीशन में ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं, आपको अपने मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन वाले कोई भी चीज़ें हैं उन सभी को बंद कर देना है या अलग हटा देना है। अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को, और भी आपके आसपास कोई हैं तो उनको बता दीजिए कि भाई 15 मिनट आपको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और आप जब बैठें तो आप अपने साथ रखिए कुछ एक टूल्स, वो टूल्स में है, अगर आप इस तरह का हेडफोन रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, और इस तरह का फोन वगैरह के साथ मिलता है इसको भी यूज कर सकते हैं, कॉर्डलेस चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वायर्ड जो है ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। फिर आप 2 रंग के पेन रखिए, एक लाल एक नीला या काला जैसा आप चाहें। फिर ये नोटबुक रखिए, इस तरह की नोटबुक रखिए जिसमें आप इस तरह की भी रख सकते हैं, इस तरह की भी रख सकते हैं, तो रोज इसको एक एक पन्ने के लिए इसको रखिएगा। फिर ये एक छोटी पॉकेट नोटबुक, ये बड़ी यूजफुल चीज होती है, ये आप हमेशा अपने साथ रखा करिए, ये और पेन हमेशा। अगर आपको छोटा फोन नंबर भी किसी का लिखना है, कोई छोटी चीज, किसी का नाम, गली का ठिकाना, कुछ भी है, बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, इसको आप हमेशा अपने पास रखिए। और ये आप बनाइए, ये एक कार्ड का बंच है, इसमें ये विजिटिंग कार्ड के, रफली विजिटिंग कार्ड से जरा से बड़े हैं, उस साइज के हैं, इसको आप रखिए। इसमें आपको ऑटो सजेशन और पॉइंट्स लिख करके ये काम में आएगा, आप चाहे तो इसको लूज भी करके रख सकते हैं। लूज करके रखने में क्या है कि आपने लिख लिया और उसके बाद पॉकेट में रख लिया, तो जब ये पॉकेट में रहता है तो क्या होता है कि आपके पास जब भी फ्री टाइम होता है आप उसको वेस्ट नहीं करके इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, हर पॉइंट को आप रिवाइज कर सकते हैं। आप कहीं लाइन पर खड़े हैं, टैक्सी के का इंतजार कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं,
ट्रेन में बैठे हुए हैं, फ्लाइट में हैं, तो बस ये कार्ड को एक बार निकालिए। इसमें जो है ऑटो सजेशन रहेंगे जिसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो ये कार्ड आप अपने तैयार कर लीजिए और इस तरीके से आप अपनी तैयारी पूरी करके आप एक जगह आराम से बैठें और आप ये निश्चय कर लें कि हमको 15 मिनट आराम से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बैठना है। तो आप आपके परिवार में आसपास में जो भी हैं जिनसे आपको इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस हो सकता है उन सबको बता दीजिए और सबको बताइए कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। कोई बिल्कुल मत हिचकिचाइए। और तो और आप लोगों को भी बोलिए कि आप भी ये कोर्स करिए। अगर आपके घर में 3 मेंबर हैं, अगर तीनों के तीनों इसको करें एक साथ में तो बहुत फ़ायदा है, सोने में सुहागा है, क्योंकि तब सबकी मेंटेलिटी एक हो जाएगी, एक सक्सेस का वाइब्रेशन हो जाएगा, एक सक्सेस का एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो आप सुन रहे हैं इसके बाद आपको इनर साइज कैसे करना है। तो इनर साइज का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इनर साइज क्या है? इनर साइज है एक ऑटो सजेशन। आप खुद को सजेशन देंगे और ये इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब जैसे सपना देखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये जागृत सपना होगा। सपने में क्या देखते हो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन ये जागृत सपना जो है ये हमारे कंट्रोल का है। इसमें हम देखते हैं कि हमको क्या पाना है, हमको कहाँ पहुँचना है, हमको कैसे पहुँचना है, ये सब हम पूरा विजुलाइज करते हैं। तो ये इनर साइज होगा, तो ये 3-4 मिनट का होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनर साइज कैसे किया जाएगा। असली आपका कल से चालू होगा, आज आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक कंफर्टेबल जगह में बैठना है। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे आलथी पालथी मार करके बैठने में कंफर्टेबल है उसमें बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, आप बगीचे में बैठ सकते हैं। देखिए इतना सुंदर बगीचा है, एकदम प्रैक्टिकल नेचुरल है, यहाँ का आनंद ही अलग है। स्टूडियो की तरह एकदम साउंड प्रूफ तो नहीं होता है, लेकिन नेचुरल चीज़ का तो अलग ही फ़ायदा है। तो आप अपने बगीचे में बैठ के कर सकते हैं, अपनी छत पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी बैठें वहाँ पे निश्चिंत होकर के बैठें और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। पैर नीचे, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर नीचे हो जाए, और नीचे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठिए, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए। मैंने आप कैसे भी बैठे कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, इरेक्टेड ऐसी। क्यों? क्योंकि ये जो मेंटल जो सजेशन है, माइंड जो सोचता है, उसके जो सजेशन सारे बॉडी के सेल्स को जाते हैं, वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है इसके थ्रू वो सब जाते हैं मैसेजेस। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखेंगे तो एफिशिएंसी बेहतर होगी। फिर इसको आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख खोल के भी कर सकते हैं। बहुत लोगों की आंख खोल के मेडिटेशन करने की आदत होती है, वो लोग आंख खोल के भी कर सकते हैं। वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि आंखें जो हैं खोल के भी आंखों को अनफोकस कर लेते हैं, यानी कि सब कुछ दिख रहा है पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप अगर आपकी वो कैलिबर है तो आंख खोल के बैठिए, नहीं तो आप आंख बंद करिए। लेकिन आंख बंद करिए खूब हल्के, ऐसे दबा करके, प्रेशर के साथ आंख बंद नहीं करना, ऐसे आराम, जैसे सोने के पहले आस्ते आस्ते आपकी आंख बंद होती है उस तरीके आराम से आंख बंद करिए। और हाथ को अपने घुटने के ऊपर रखिए। अगर आप ये सब हाथ की मुद्रा वगैरह में विश्वास करते हैं
तो आप ये मुद्रा में बैठ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, जो आपको पसंद है। मेरे को ये पैर वाला प्रैक्टिकल लगता है, तो ये पैर वाला आपको बता रहा हूँ। तो आप कोई भी मुद्रा में बैठें। फिर जब आपको मैं कुछ सजेशन दूंगा तो आप उसको लेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है कि कंफर्टेबली बैठने के बाद, आंख बंद करने के बाद, आपको 3 गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस का मतलब ऐसे नहीं, नॉर्मल में गहरी माने मार्केबल, जैसे इस तरीके से 3 गहरी सांस लेनी है। और जब सांस लेंगे तो आप फील करिए ये सांस अंदर गई, ये बॉडी के अंदर गई, ये निकल रही है, ये नाक से या मुंह से निकल गई, और इसको फील करिए। और साथ साथ फील करिए कि जब ये सांस जा रही है और निकल रही है, उस बीच में आपका माइंड रिलैक्स हो जा रहा है, आपका चेहरा रिलैक्स हो जा रहा है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जा रही है, ईजी हो जा रही है, कंफर्टेबल हो जा रही है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए, बिना कहीं कोई प्रेशर नहीं हो, कहीं कोई बॉडी में तनाव नहीं हो, एकदम आराम से। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर कहीं भी कुछ सोच चलेगा, कोई भी चिंतन चलेगा, तो वो फिर आपके दूध में जैसे नींबू पड़ जाएगा तो सब वो हो जाएगा। तो आपको ये बड़े प्यार से करना है। और उसके बाद मैं आपको जो सजेशन दूंगा, वो सजेशन आपको मैं एक बार बोल दूंगा, आप मेरे साथ सुनिएगा, चाहे तो करिएगा। उसके बाद मैं कुछ मिनटों के लिए शांत हो जाऊंगा और वहाँ पे सिर्फ एक म्यूज़िक चलेगा, जो म्यूज़िक अभी पीछे चल रहा है वो म्यूज़िक चलेगा। और उस समय आप अकेले करिएगा, उस समय मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो उस समय आप उसको फॉलो करिएगा। और इसको करने के बाद अगर आपकी आंख बंद है तो अपने हथेली को मलिए और उसके बाद बंद आँखों पर रख करके इस तरीके से सहला करके आंखें खुलिए और महसूस करिए आपके अंदर परिवर्तन, शांति, आनंद, ये सब का अनुभव करिए। और उसके बाद आप दिन में ये जो 3 मिनट का इनर साइज बताया है, इसको आप दिन में 2-3 दफ़े कर सकते हैं, जब भी आपको सहूलियत हो, तो ये करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आप कल पे नहीं टाल सकते, कल के लिए आपके लिए अगला बेबी स्टेप्स होगा, तो आज ही आपको इसको करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप कल से जो है इस क्लास को चालू करेंगे और अपनी सफलता की जर्नी में छोटे छोटे कदमों द्वारा आप जानेंगे कि क्या करने से आपको सफलता मिलने वाली है और क्या करने से आप सफल नहीं बनेंगे, आप एक साधारण इंसान बन के रह जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा जीवन बिताने में क्या आनंद है। तो आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्यों आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। एक चीज बोलूंगा, आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो, अगर आप इसको YouTube में देख रहे हैं या Facebook में भी देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को रिमार्क्स में लिखिए, वहाँ पे बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को जोड़ना नहीं भूलें, आप अपने WhatsApp ग्रुप में, Facebook ग्रुप में, Telegram के ग्रुप में, सब जगह इसको शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।
हैव ए ग्रेट डे।